मैं पर्सनल बोलता हूँ ना तो पूरे चैनल के सबको मिर्ची लग जाती, फिर मुझ पर टिप्पणी होगी। मनोज यादव पर्सनल नहीं, अध्यक्ष थे वो, तेरे बाप अध्यक्ष थे क्या? पार्टी जिस दिन चाहेंगे उस दिन गिर जाएगी। कमाल दिल्ली वाली तो जब चाहेंगे गिरा देंगे। तो कौन रोके, रोक कौन रहा है आपको भाई? इतना तेवर दिखाने की आवश्यकता उनको नहीं है। क्या कर लेते, क्या कर लेते, वही तो मैं ये भी तो क्या समझते हैं हम, गाली खा लेंगे क्या, मुंह तोड़ जवाब देंगे? और तो मैं बता देता हूँ जो मायावती के साथ गेस्ट हाउस में किया था वो कर देते समाजवादी। तो दोस्तों आज की डिबेट में गोदी एंकर और भाजपा प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी करने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद समाजवादी प्रवक्ता मनोज यादव ने भी गाली गलौज कर दी और दोनों की अच्छे से धुलाई कर दी। तो देखिए वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिक्चर चालू करो बे, तुम तड़ाक करके और क्या किस तरह की बात लिख रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है इस बात का कि आपके इतने तमाम चाहने के बावजूद सरकार नहीं गिर रही। रोज बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार अब गई कि तब गई, लेकिन सरकार का कुछ नहीं हो रहा, तो फ्रस्ट्रेशन इस रूप में निकल रहा है क्या? कौन सी सरकार वाली, उत्तर प्रदेश वाली की, वहां दिल्ली भाई आपकी इच्छा तो दोनों गिराने की है लेकिन एक भी नहीं गिर रही। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन गिर जाएगी। कमाल दिल्ली वाली तो जब चाहेंगे गिरा देंगे। कौन रोके, रोक कौन रहा है आपको भाई? फिर भी आप नहीं गिरा पा रहे। अभी 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 उसका शुभ मुहूर्त नहीं आया ना, हम शुभ मुहूर्त पे काम करते हैं। हम थोड़ी नहीं कि राम मंदिर ऐसे उद्घाटन कर दें 15 सेकंड का 30 सेकंड का मुहूर्त निकाल के, हम वाला नहीं है ना, अच्छी बात है, शुभ मुहूर्त पे करेंगे। करवाली बेस्ती, ओम बिरला जी का तेवर देखा था? ये तो राहुल जी है जो बर्दाश्त कर रहे हैं समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष होते, और तेवर ओम बिरला जी के अगर ये होते भले वो चेयरपर्सन है, इतना तेवर दिखाने की आवश्यकता उनको नहीं है। क्या कर लेते, सब जानना है इस बड़वे को, क्या कर लेते, वही तो मैं ये भी नहीं, ये भी इसका भी, इसका भी खुलासा कर ही दीजिए ना, ये भी दिल में क्यों रखे हुए, ये भी बता दीजिए। समाजवादियों को दिखा के दिखाएं तेवर, उसी सदन में हमारे 37 हैं, दिखा के ऐसा तेवर दिखाएं पता चल जाएगा। तो क्या वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या कर लेते, कुछ कुछ बता दीजिए, टिप्स मिल जाएगा राहुल गांधी को, वो अकेले खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपसे सीख के कुछ कर लेंगे। अबे साले तेरा तो गेम बजाना पड़े, देखिए बता तो दीजिए मनोज यादव क्या कर लेते। अरे बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, हर दल का व्यक्ति जो भी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका सम्मान करता है, और ये देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए वीडियो कैसे गुस्सा रहे हैं, इतना तो हम किसी दुश्मन को न डांटे और वो कितना तेवर दिखाते हैं। अच्छा बात नहीं है ये सुकून माने राहुल गांधी जी का कि बहुत सौम्यता से राहुल गांधी जी हाथ का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एक मंत्री बेल में मनोज यादव आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश, मनोज यादव उल्टी गंगा, मनोज यादव अगर 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 इस बात पे सदन में एक आम सहमति बनी है कि वेल में आकर के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और उसके और उस मर्यादा को सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन ही उसको तोड़ दे। हाँ बेटा लगता है तुम गुरु खा के ही मानोगे, पहले ही सत्र में तो क्या करना चाहिए तो विधान एक स्पीकर को एक क्या करना चाहिए था, बता दीजिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल ये बात, कोई अगर मर्यादा तोड़ता है तो उसके लिए जो भी लोकसभा का अध्यक्ष है उसके पास पावर है कानूनी कार्रवाई करने की, जो लोकसभा के अंदर निहित है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, उस पे कार्रवाई की जा सकती है। आप तेवर कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। कार्रवाई करिए ना, और अगर 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 थोड़ी कड़ी आवाज में चेतावनी दे दी तो आप कह रहे हैं कि भाई हम तेवर दिखा रहे हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इस तरह चेतावनी मैं आपको दूं आपको बुरा लग जाएगा रंजीत जी, अगर मैं एज ए प्रवक्ता आपको चेतावनी दे दूं आपको बुरा लग जाएगा कि मनोज यादव ऐसे कैसे आप मुझसे बात कर सकते हैं। बीजेपी के लोग हमको खासकर समाजवादियों को मर्यादा ना सिखाएं, बोली भाषा ना सिखाएं, प्रतिदिन आपके ही डिबेट के सैकड़ों गालियां मनोज यादव खाते, हमारे राष्ट्रध्वज जी को हजारों में गालियां देते बीजेपी। शर्म करो। और बीजेपी के नेता आईटी सेल ब्लूटूथ अकाउंट एक्सपोज के हजारों गालियां देते हैं, तो क्या समझते हैं हम गाली खा लेंगे क्या, मुंह तोड़ जवाब देंगे? और अगर भाषा की मर्यादा मौजूदा कोई भी सरकार नहीं समझी तो समाजवादी उसको नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा, कांग्रेस भले छोड़ दे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।
हम टीट फॉर टैट जानते हैं मनोज यादव लेकिन जो सोशल मीडिया पे ट्रोल की भाषा और सोशल मीडिया पे एक पार्टी के आधिकारिक जो हैंडल है उसकी भाषा में कुछ तो अंतर रहना चाहिए ना मनोज यादव, या फिर ट्रोल वाली भाषा नहीं बोल। वाह 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 वाह, बिल्कुल रहना चाहिए। तो आप में और उस ट्रोल में कोई फर्क नहीं रह गया ना। अब निजे समझती अपनी हद में ही बात करनी चाहिए। मनोज यादव जिस अंदाज में बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देने से ज्यादा मुझे तो लग रहा है कि मुंह ना तोड़ दे। आप चुप कर कुत्ते, बोलने नहीं देंगे। रंजीत जी, मनोज जी, आपको पर्याप्त समय मिला ना। आपने अभिजेश अवस्थी से सवाल किया था, मैं उनके पास जाता हूँ। आपने अभिजेश अवस्थी से सवाल किया था, मैं उनके पास जाता हूँ। मुंह तोड़ जवाब देने का अंदाज आप ऐसा लग रहा है कि सामने वाले का मुंह तोड़ देंगे आप। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। मैं ऐसी चिल्लों वाली डिबेट में तो आता नहीं। एक बार अवनिजेश जी को सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आप रंजीत जी, आप पूछ रहे थे ना कि आप क्या क्या कर देते आप ऐसा, तो मैं बता देता हूँ। जो मायावती के साथ गेस्ट हाउस में किया था वो कर देते समाजवादी। रामपुर तिराहा में जो किया था, जो गोलीकांड हुआ था, वो कर देते वहां पर। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। ये तो खुलेआम है, इसमें तो भाई बीच में मैं बोलता नहीं किसी के। और दया कब किसको किस पे आती है, ये तो वक्त वक्त की बात है। कभी कोई किसी को चिरकुट नेता कहता है, कभी कहता है कौन अखिलेश वखिलेश बात मत करो मेरे से। अब किस पे कौन दया करे। तू तो गया बेटे। रंजीत जी बात ये है, दया तो वक्त वक्त पे किसको कहां पे आती है। अगर इसका खुलासा करना शुरू कर दूं तो कोई माइक हाथ से पकड़ के ले जाता है पिताजी के हाथ से, कोई कहीं से ले जाता है। कहां किस पे दया कर, किस पे दया कर, कब कब किस पे दया आती है। जब मैं पर्सनल बोलता हूं ना, बवाल। जुम करो। अरे बहन, तो पूरे चैनल के सबको मिर्ची लग जाती, फिर मुझ पर टिप्पणी होगी। मनोज भाई पर्सनल नहीं, अध्यक्ष थे वो, तेरे बाप अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। नहीं, मनोज यादव नहीं, प्लीज आप इस तरह की भाषा नहीं बोलिए। पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। आगे स्वाद, एक मिनट, ये पार्टी होगा पर्सनल। जो भी अभिजेश अवस्थी बोल रहे हैं, अभिजेश अवस्थी जो बोल रहे हैं वो पब्लिक फोरम पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी घटनाएं सबने देखी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो प्राइवेट उसमें हुई है, इसलिए ठीक है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा, हमारी पार्टी का। हाँ तो ठीक है, लेकिन आप भी मर्यादा में रहकर बात हो। ऐसा तो उन्होंने कोई गैर मर्यादित बात तो की नहीं। बोल सकते हैं कोई माइक खींच ले, लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य पर दया दिखा सकते हैं। वाह क्या बात है, इनको हक है कि केशव प्रसाद मौर्य पर दया दिखाना, लेकिन अगर इनकी पार्टी के अध्यक्ष से कोई माइक खींच ले तो मुझे दया दिखाने का हक नहीं है। क्या बात है भाई, निकल ले भाई तू। चल भाई, निकल ले भाई, निकल निकल। अरे निकल।